राज्य के नेतृत्व में प्रदेश की भलाई की लड़ाई लड़ रहा है, विभिन्न मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं और हर मुद्दे पर सरकार भागती हुई नजर आ रही है। हर इम्पोर्टेंट चर्चा पर सरकार जो है संज्ञान लेने की बजाय भागती हुई नजर आ रही है और मैं उम्मीद करूंगी कि अभी जो है जीरो आर चल रहा है, उसके बाद कॉल अटेंशन है और हमने एक प्रिविलेज मोशन दिया है दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ, उस पर पूरी चर्चा होगी और यौन शोषण से संबंधित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से संबंधित और जो स्थिति आज पैदा हुई है उसको लेकर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज लगा हुआ है। एक हाईकोर्ट के सिटिंग जस्ट से जांच की बात थी लेकिन अब बीएससी की रिपोर्ट में ये फैसला होगा कि होगी या नहीं होगी, लेकिन हमने कई राजनीतिक जानकारों से जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो भी आपस में बातचीत होती है वो विधानसभा के पटल पर ही अगर उसका निचोड़ निकल जाए तो अच्छी बात होती है और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पहली बार ऐसा होगा कि ये जांच होगी। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लेजिस्लेचर इज सुप्रीम, जो मुद्दे यहाँ पर चर्चा होती है, जो बातचीत होती है, उनकी कभी भी जांच सिटिंग जज से नहीं होती, लेकिन सभी लोग हाइपर हो रहे हैं, झूठा आरोप और प्रत्यारोप, केवल उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, जांच होती तो पूरे जो स्कूलों में बच्चियों के साथ जो अपराध बढ़ा है, यौन शोषण हुआ है जिसमें 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, एक मिड डे मील वर्कर मेंटल हो गई, एक पीजीआई में मेंटल ट्रॉमा में है और गरीब और दलित परिवार की लड़कियां हैं, सरकार ने उसमें FIR दर्ज नहीं करवाई, सभी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दोषी हैं और उप मुख्यमंत्री जो वहाँ के लोकल विधायक हैं उनके दफ्तर के 500 मीटर के दायरे पर ये स्कूल है, उन्होंने क्यों अपने ऐसे क्षेत्र में ऐसे प्रिंसिपल को रखा 2017 से लेकर आज तक, जो कि ऐसे मामलों में पहले से ही दोषी पाया गया था। क्या लगता है जो फिलहाल अभी तक की कार्यवाही है दोपहर तक की, कांग्रेस के कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो विधानसभा में उठे और जो सरकार की तरफ से भी उनका? देखिए, कांग्रेस आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार थी, तैयारी के साथ हमने, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे जो भी घोटाले हो रहे हैं, चाहे शराब घोटाला है उस पर लेकर चर्चा की, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की। अब जैसे हमारा भी प्रश्न लगा था कि पेयजल की व्यवस्था जो है वो अच्छे ढंग से नहीं है या तला, इस तरह के तमाम मुद्दे, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हुई, बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सरकार उसमें भी बचाव करती हुई नजर आ रही है, ये सब मुद्दे हैं जिसके साथ सभी विधायकों ने बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आक्रामक तौर पर विपक्ष ने अपनी भूमिका को निभाने का काम किया है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या 90 विधानसभा में जो 90 लोग हैं उनको ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष उठाता है उनको ये मुद्दे गौण लगते हैं, इन पर अच्छे ढंग से चर्चा होनी चाहिए और स्पीकर महोदय को भी स्पीकर की भूमिका में रहना चाहिए, वो सरकार के पक्ष में ज्यादा खड़े नजर आते हैं कई बार। मैडम, आज सीएम साहब ने एक CMIR वाली रिपोर्ट जो है वो भी पेश की है, उन्होंने जो हुड्डा साहब ने वही कहा है कि 2014 में तो 2.1 ही था, तो हमारी तो बेरोजगारी बढ़ गई ना, घट कहां गई, हम तो बेरोजगारी के आंकड़े आपकी सरकार के दौरान बढ़ गए। बेरोजगारी में हरियाणा आज प्रदेश में 1 का राज्य है, क्राइम में 1 होता जा रहा है, NCERB के आंकड़े बता रहे हैं बेटियों के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर कम से कम हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, गंभीरता से इस विषय पर चर्चा करके समाधान की बात करनी चाहिए। लास्ट सवाल, जिस मामले में डिप्टी CM ने आप पर आरोप लगाया कि आपके घर पर फैसला हुआ, अब उस मामले में हालांकि आज अभी BSE की रिपोर्ट में फैसला हो जाएगा कि कमेटी करेगी उस फैसला, कितने तैयार हैं आप इस पूरे कार्यवाही को लेकर और क्या लगता है आपको कि जिस तरह के आरोप लगे हैं आपके ऊपर? मैं चाहूंगी कि उप मुख्यमंत्री, उचाणा विधानसभा के विधायक मुझसे माफी मांगे, उन्होंने बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया, यौन शोषण हुआ उसका कोई मुद्दा नहीं उठाया, सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए या उन्होंने क्या कार्रवाई करनी उसका कोई मुद्दा नहीं उठाया, वो स्कूल में आज तक विजिट करने नहीं गए और झूठा, इस क्योंकि इनकी एक स्ट्रेटजी है मुद्दे से ध्यान भटकाना और उन्होंने इस मुद्दे से ध्यान भटकाया है। अगर मैंने गरीब दलित, क्योंकि सभी बच्चियां गरीब परिवारों से जो स्कूल में पढ़ती हैं, अगर मैंने कोई उनका मुद्दा उठाकर गुनाह किया है तो मैं ये गुनाह फिर से भी करूंगी और उनको सदन में माफी मांगनी चाहिए। हमने उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आए कि उन्होंने झूठी स्टेटमेंट देने का काम किया है और वो खुद भी पलटे हैं इससे। लेकिन प्रिविलेज मोशन में तो आप वैसे ही विधायकों की संख्या कम होती है तो ऑब्वियस है कि वही जीतते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, 17-18 विधायक है, हमने प्रिविलेज दिया है, इस पर चर्चा होगी, जीत हार की क्या बात है, क्या लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा, क्या हम लड़ाई लड़ेंगे नहीं, क्या पॉस्को एक्ट में उनको FIR नहीं दर्ज करनी चाहिए थी, क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई की, क्या शिक्षा मंत्री ने स्कूल में जो कार्रवाई की, क्या बच्चियों से भेंट की, क्या बच्चियों से ये लोग गए मिलने, कोई चर्चा का विषय, चर्चा होनी चाहिए, न्याय दिलाकर रहेंगे बेटियों को। देखिए बिल्कुल साधना, आपने सुना गीता भुक्कल जो कि जिन्होंने
इस पूरे मामले को विधानसभा के पटल पर उठाया था, लेकिन उसके बाद जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गीता भुकल पर ही आरोप लगा दिया कि आपके घर पर 2012 में इसी प्रिंसिपल का समझौता कराया गया था, तो उस पूरे मामले में प्रिविलेज मोशन जो है कांग्रेस की तरफ से लाया गया। लेकिन फिलहाल बीएसी की बैठक जारी है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला क्या होता है, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होती है या फिर विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाएगी वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, ये देखना होगा। लेकिन लगभग आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे से बैठक जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिल्कुल गुलशन, बिल्कुल गुलशन, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही बैठक में कोई अपडेट नजर आता है आपसे जल्द ही हम जानकारी लेंगे।